सरकार स्कूल कॉलेज उचित गाइडलाइन के अनुसार खोले। विनोद सिंह, R9 भारत से भरत शर्मा की रिपोर्ट। पंडवा पलाम। पंडवा प्रखंड अंतर्गत पंडवा पंचायत के युवा समाज सेवी विनोद सिंह ने कहा कि विगत हाल ही के वर्षों में कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्रभावित हुई है तो वो है बच्चों की पढ़ाई। सरकार को शिक्षा के पीछे ध्यान उचित तरीके से देना चाहिए। यदि विद्यालय बंद है और ऑनलाइन शिक्षा की बात की जाए तो हर बच्चे को पढ़ने के लिए बड़ा फोन उपलब्ध कराएं ताकि हर बच्चा व्यवस्थित ढंग से पढ़े और यथावत शिक्षण कार्य चलते रहें। विनोद जी, आप देश के नागरिक हैं, भारत देश के नागरिक हैं, भारतवासी हैं, इसके नाते मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अभी मैंने पाया या देख रहा हूं कि बाजार वगैरह सारे चीज चालू हैं जबकि विद्यालय बंद है और इससे बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? जी भरत जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और ये देशव्यापी सवाल है। नेता चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, अपना रैली में भीड़ जुटाने के लिए वो कई तरह का प्रपंच और प्रचंड खर्च करके व्यवस्था बनाकर और लोगों को भीड़ इकट्ठा कर लेती है, वहाँ पर कोरोना किसी को नहीं फैलता है। लेकिन जो स्कूल, जो मेरा ये स्तंभ है भारत को मजबूत बनाने का, हम तो स्कूल के टीचर को तनख्वाह दे ही रहे हैं जो हम लोग का टैक्स से पे होता है लोगों को, लेकिन बैठा के हम सैलरी दे रहे हैं लेकिन बैठा के 40 बच्चा और 30 बच्चा जो क्लासरूम मेक में जाते हैं उनको हम 2 गज की दूरी बनाकर मास्क पहनाकर और जो सरकार का गाइडलाइन है उसके तहत अगर हमने उसको व्यवस्था बनाते तो बेहतर होता। आज 2 साल से कोरोना अगर है तो हमने वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी बना रहे हैं। सरकार की व्यवस्था ठीक ठाक है पर एजुकेशन के प्रति सरकार का रवैया बहुत ही गलत है। अब फ्री अनाज देना, सरकार फ्री अनाज दे के लोगों को पोस रही है लेकिन एक तरह से गरीबी को और बढ़ावा मिल रहा, वो पंगु बन रहा, कोई काम नहीं कर रहा वो आदमी, क्योंकि फ्री अनाज और 1 रुपया का अनाज मिल जा रहा। और मान लीजिए कि स्कूल बंद करके बोलता है कि ऑनलाइन का एजुकेशन कीजिए, ऑनलाइन से पढ़िए, रिजल्ट मिल जा रहा है, रिजल्ट पास हो जाता है, बच्चे पास कर दिए जा रहे हैं लेकिन पढ़ाई 0 है। गरीब का बच्चा जब राशन नहीं खरीद पा रहा, कपड़ा लत्ता नहीं खरीद पा रहा, तो ये एंड्रॉयड मोबाइल जो 10,000 से स्टार्ट होता है, बड़ा बड़ा मोबाइल कहाँ से लाएगा? तो सरकार का इस पर जो सोच है वो बहुत ही निम्न है। विदेश में तो स्कूल बंद नहीं है लेकिन भारत में सब कुछ मिला के स्कूल बंद कर दो, लॉकडाउन लगा दो। ओमिक्रोन आता है तो ऑस्ट्रेलिया से आया, ये कोविड आया चीन से आया, तो हम एयरलाइंस बंद करते ना, वहाँ के आना जाना हम बंद कर देंगे तो हमको लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सरकार फैला के अब वाहवाही लूटने के लिए ज़बरदस्ती या जैसे भी लॉकडाउन लगा के मजबूर कर दे रही है गरीबों को उसी तरह से मजबूर कर दिया है, यहाँ का एजुकेशन को पंगु बना दिया है सरकार। सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, R9 भारत के तहत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह के आवाज़ को बुलंद कर रही है। सोशल मीडिया बहुत आज कारगर है तो मैं मोदी सरकार जी से भी निवेदन करूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि वो एजुकेशन को मजबूत बनाने के लिए सरकार का गाइडलाइन को पालन कराते हुए स्कूल को खोले। स्कूल का पढ़ाई हम तो बोलते हैं कि कोई 365 दिन है, 365 दिन पढ़ावें,